आलू की खासियत, बड़ा सा पराठा और एक लजीज रायता, और यह है छोले जिसमें प्याज डाल के दे रखे हैं। दूसरा शेराघाट पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बताते हैं भैया, मच्छी और भात फेमस है यहाँ का। जब भी आप लोग पिथौरागढ़ मार्ग आए, डीडी हाट की तरफ आए, तो यहाँ पे ये मच्छी भात जरूर खाएं। पूरा रोड में आ रहा है झरना, इसको क्रॉस करके अभी जाना है हमको। नमस्ते दोस्तों, तो इंट्रो में थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को लग ही गया होगा कि आज हम एक नई डेस्टिनेशन की ओर निकलने वाले हैं। तो हमने अपने इस सफर की शुरुआत 4:45 पे स्टार्ट करी। मौसम का मिजाज भी बदलने लग गया है, तो हमको फुली पैक होकर जाना पड़ेगा, वरना हमारी तो कुल्फी ही जम जाएगी। तो आज हम बाइक से लगभग 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने वाले हैं, जो काफ़ी मुश्किल होने वाला है क्योंकि बाइक के सफ़र में थकान बहुत ज़्यादा लगती है। तो सबसे पहले हम दोनों निकल चुके हैं काला ढूंगी की ओर, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगर आप रामनगर से नैनीताल जा रहे हैं तो हल्द्वानी को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि काला ढूंगी से नैनीताल सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है, जो कि आपको काफ़ी नज़दीक पड़ेगा। और अभी हम जाएंगे सबसे पहले नैनीताल, जिससे झीलों की नगरी और सरोवर नगरी भी कहते हैं, और कुमाऊं रीजन में सबसे ज़्यादा झीलें यहीं पर। मान्यता ये भी है कि माता सती के नेत्र यहाँ पर गिरे थे, तब इस झील का निर्माण हुआ था। और स्कंद पुराण के मानस खंड में नैनीताल का नाम त्रि ऋषि सरोवर है, क्योंकि बताते हैं यहाँ तीन ऋषि, एक अत्रि ऋषि, पुलस्य ऋषि और पुलह ऋषि को प्यास लगी थी, तो इन्होंने यहाँ खुदाई करी थी, जिसके कारण यहाँ जल निकलने लग गया। नैनीताल 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिन्हें सप्तभृंग कहा जाता है। ये 7 पहाड़ियाँ चाइना पीक, आयारपात, देवपात, हाड़ीवादी, स्नो व्यू, आलमसरिया कांटा और शेर का डांडा है। इनमें से सबसे ऊंची पहाड़ी चाइना पीक है। बताना तो भूल ही गया, मेरे साथ हैं विक्की भैया, जिनको आपने कई वीडियो में मेरे साथ देखा होगा। नैनीताल से 11 किलोमीटर आगे की ओर बढ़कर हम पहुंच गए भवाली, जो कि कुमाऊं क्षेत्र के प्रवेश द्वार है। भवाली अपने स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के लिए लोकप्रिय है और राज्य के फलों की टोकरी का दिल भी है। भवाली से अब चल दिए आगे की ओर, जहाँ रास्ते में पड़ेगा कैची धाम मंदिर, जो कि बाबा नीम करौली महाराज जी का है। कहते हैं यहाँ कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। नीम करौली महाराज का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उन्हें कंबल वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये हमेशा कंबल ओढ़े रहते थे। कैची धाम में बाबा ने हनुमान मंदिर की स्थापना की थी और बाबा के बहुत से भक्त रहे हैं, जिनमें से एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग शामिल थे। बाबा नीम करौली का ये जो धाम है, और यहाँ पे ये सिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। भैया उधर दिखाइएगा, सिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है और कैची धाम इसका नाम बताते हैं। मान्यता है कि यहाँ पे आपको कैची जैसा जो मोड़ दिखेगा, तो उस नाम से इसका नाम कैची धाम पड़ा हुआ है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब अल्मोड़ा की तरफ को चलिए, अब निकलते हैं यहाँ से। अरे यार, बताना तो भूल ही गया कि निकल तो चुके हैं पर जा कहाँ रहे हैं। तो यारो, हम जा रहे हैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में डीडी हाट। पहुंच गए छड़ा सही बोल रहा हूँ ना। हाँ, तो यहाँ पे नाश्ता वास्ता करेंगे और अंकल लोग अपनी गाड़ी से चले गए, और साथ में हम जा रहे हैं यार अभी पिथौरागढ़। ये बताना मैं भूल गया, क्यों जा रहे हैं ये आपको बताया, अभी बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है, क्योंकि भैया की ज्वाइनिंग आ गई है डीडी हाट में, तो डीडी हाट हमको अभी जाना है, फिर हम लोग वापस हो जाएंगे, या तो रात को होंगे या कल होंगे, और भैया वहीं आएंगे। तो चलिए पराठे वराठे खाते हैं अभी। स्टार्ट करिए। तो ये रही पहाड़ियों की खासियत, बड़ा सा पराठा और एक लजीज रायता, और ये हैं छोले जिसमें प्याज डाल के दे रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अभी खाना इसको।
तो ये रहा हनुमानगढ़ी मंदिर जो कि नैनीताल में पड़ता है। इस मंदिर का पौराणिक महत्व बहुत अधिक है क्योंकि इसे नीम करौली बाबा ने बनवाया था जो 1950 के दशक में एक प्रसिद्ध संत थे। सबसे लोकप्रिय और आस्था का केंद्र अल्मोड़ा जिले में स्थित चित्तई गोलू देवता का मंदिर है। गोलू देवता को भगवान शिव का ही एक अवतार माना जाता है। यहाँ मांगी गई किसी भी भक्त की मनोकामना कभी अधूरी नहीं रहती। तो अभी पहुंच चुके हैं हम लोग अल्मोड़ा। अभी यहाँ पे हमको सबसे पहले चितई मंदिर देखा आप लोगों ने, इसके बाद आपका कसार देवी का मंदिर भी। अरे भैया भैया, कसार देवी का मंदिर भी यही पड़ेगा। अरे बाप रे, हेलमेट गिर गया और नीचे चला गया। तो हाँ गाइस, कसार देवी का मंदिर भी इधर ही आगे ही मिलेगा, और पेट शाल जो कि यशोधर मठपाल ने बनाया था कहते हैं। और क्या क्या चीज़ है भैया यहाँ पे आगे? कसार देवी का मंदिर, पेट शाल, लाखू उड्यार भी, लाखू उड्यार यहीं पे मिलेगा। चलिए तो दिखाएंगे आप लोगों को आगे। अभी थोड़ा बाइक रेस्ट करते हैं यहाँ पे, और व्यू देखो यार क्या लग रहा भाई। तो आइए कुछ जान लेते हैं अल्मोड़ा जिले के बारे में। अल्मोड़ा 6 जिलों से अपनी बाउंड्री टच करता है। अल्मोड़ा कोसी और सोयाल नदी के मध्य में स्थित है। इसको सांस्कृतिक नगरी और ताम्र नगरी भी कहा जाता है। 1790 से लेकर 1815 तक इसमें गोरखाओं ने शासन किया, और 1815 से यहाँ अंग्रेजों ने शासन किया। यहाँ की प्रमुख नदियाँ जो यहाँ बहती हैं वो है पश्चिमी रामगंगा, कोसी नदी, सोयान नदी, गगास नदी और पनार नदी। और अल्मोड़ा शहर एक नगर पालिका है जिसका गठन 1864 में ब्रिटिश सरकार ने किया। अल्मोड़ा के उत्तर में लाखू उड्यार है जिसका अर्थ है 1,00,000 गुफाएं, जो कि बसा है सोयान नदी के तट पर। इन रॉक शेल्टर पर 1,000 साल पुराने चित्र हैं जिससे पता लगा है कि स्टोन एजेस में भी 20,000 से 30,000 साल पहले यहाँ किसी प्रकार के कोई लोग रहते थे। लाखू उड्यार में मानव को समूह और अकेले नृत्य करते हुए दिखाया गया है। इसकी खोज एमपी जोशी ने 1968 में की थी। यहाँ पर कटारमल का सूर्य मंदिर भी है जो इंडिया का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है। इस मंदिर को कत्यूरी राजा कटारमल ने बनाया था। इसके अलावा सोमेश्वर मंदिर जिसकी पूजा काशी विश्वनाथ के समान मानी जाती है, और एक जागेश्वर मंदिर समूह है जो कि जाट गंगा के किनारे बसा है। इसमें 124 मंदिरों का समूह है जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। इसको उत्तराखंड का पांचवा धाम भी बोला जाता है। इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजा सालीवाहन ने करवाया। तो चलिए यार अब बढ़ते हैं डीडीहाट की तरफ। अल्मोड़ा से अब हम पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। बताते चलूं कि पिथौरागढ़ 4 डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री टच करता है जिसमें चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत है, और इंटरनेशनल बाउंड्री भी टच करता है 2 देशों से जिसमें नेपाल और तिब्बत है। भाई शेराघाट पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे बताते हैं भैया मच्छी और भात फेमस है यहाँ का। अच्छा, मतलब क्या पहचान, मतलब क्यों है ये? कुछ पता है आपको क्यों है? मतलब लोकल की मच्छी का टेस्ट होता है इसमें। अच्छा अच्छा, तो कौन सी होती है? अच्छा, जो सरयू नदी बहती है। सरयू नदी बहती है ना? अच्छा, तो इस नदी से पकड़ा जाता है, और यहाँ पे मच्छी भात काफी फेमस है। तो जब भी आप लोग पिथौरागढ़ मार्ग आए, डीडीहाट की तरफ आए, तो यहाँ पे ये मच्छी भात जरूर खाएं। मैं भले ही नहीं खाता हूँ क्योंकि वेजिटेरियन हूँ, तो इसलिए ऐसे रुके हुए हैं। अंकल लोग जा रहे हैं गाड़ी से, तो अंकल लोग यहाँ पे ये अभी मिल गया हमें शेरा घाट में। ड्राइवर भैया और हरीश चाचा भी साथ में हैं हमारे। हाँ बस ले ली, चलिए चलिए बढ़ते हैं हम लोग को आगे को थोड़ा शेरा घाट से आगे। ये है सरयू नदी जहाँ से मच्छी पकड़ी जाती है जिसको अभी आपको दिखाया। ये काली सेना पानी लाती है। रामेश्वर तीर्थ पर सरयू का मिलन पूर्वी रामगंगा से होता है, फिर दोनों नदी काली नदी से मिल जाती है। बताते चलें कि पिथौरागढ़ की मेन रिवर काली नदी है, जिसे आप शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। ये नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 250 किलोमीटर है। पौराणिक रूप से इसके जल को अशुद्ध माना जाता है क्योंकि इसने बहुत सी जान ली है। ये नदी आपदा की साक्षी रही है। काली नदी की सहायक नदियाँ जो कि कुठियांगटी नदी, पूर्वी धौली गंगा
गौरी गंगा और पूर्वी रामगंगा और लोहावती नदी और सरयू नदी है। सरयू नदी कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी है। इसका ओरिजिन बागेश्वर से होता है। सरयू नदी वेस्ट से ईस्ट की ओर बहती है और लदिया नदी काली नदी की सबसे लास्ट सहायक नदी है। देखो 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 तो उसको क्या बात है। वाओ गजब लग रहा भाई। और भाई गीला देखो यहाँ पे खड़े ना हो। और ये देखो भाई साहब पूरा रोड में आ रहा है झरना। इसको क्रॉस करके अभी जाना है हमको भाई। ये बहुत रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। बट आगे का जो हमारा मतलब डीडी हाट है उधर ही पड़ेगा, तो हमें जाना पड़ेगा इधर क्रॉस करके। जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस सबसे डेंजरस वाटरफॉल पार करते हुए जा रहे हैं। गजब हो गया भाई साहब, बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर कसम से। इस इलाके में आपको कई प्रकार के जानवर और पक्षी भी दिखते रहेंगे, जो इस प्राकृतिक सौंदर्य को और भी आकर्षक बनाते हैं। यहाँ भी अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो डीडी हाट से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। और जहाँ हम जा रहे हैं डीडी हाट, छोटी जगह जरूर है पर खूबसूरत क्षेत्र, तीर्थ स्थलों खासकर शेरकोट मंदिर के अलावा प्राकृतिक परिवेश द्वार पेश किए जाने वाले प्राचीन दृश्यों के लिए जाना जाता है। डीडी हाट पर चंद शासकों का शासन था। यहाँ पर आपको काफी ग्लेशियर्स और बुग्याल देखने को मिलेंगे। इनमें से एक मिलम ग्लेशियर है जहाँ से गौरी गंगा का ओरिजिन होता है, और एक नामिक ग्लेशियर है जहाँ से पूर्वी रामगंगा का ओरिजिन होता है। इसके अलावा यहाँ काफ़ी वाटरफॉल हैं। इनमें से एक बिरथी वाटरफॉल है जिसकी लंबाई 126 मीटर है। तो चलिए यार कुछ नेक्स्ट वीडियो के लिए भी छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी कई जगह के बारे में बताना है जो अभी इस वीडियो में अधूरा है। तो यारो वीडियो अगर हल्की सी भी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। पहुँच चुके हैं भैया के रूम पे और सामान वामान हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया है। अब इसके बाद कल हम जाएंगे घर को वापस। और भाई थकान खत्म मत ही पूछो भाई, आँखों में देख सकते हो कितनी थकान है भाई, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। सीधा नींद आती है, खाना खाते हैं सीधा सो जाते हैं, फिर उसके बाद सीधा कल उठेंगे, सीधा जाएंगे हम घर को।